हेलो दोस्तों, हमारे पास ये बैटरी आई है, इंस्ट्रूमेंट की बैटरी है। इसमें दिक्कत यह है कि ये बैटरी जो है बैकअप नहीं दे रही है। अब इसको हम चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत है। इसको हमने पहले चेक किया था तो इसमें दिक्कत देखो, अगर मीटर से हम चेक करें तो इसके बोल्ट जो पूरे बता रहा है। ये अगर हम मीटर चेक कर रहे हैं तो 12.55 वोल्ट यानी 12.5 वोल्ट में हैं, यानी बोर्ड से पूरे हैं और बता रहा है बिल्कुल बैटरी फुल चार्ज है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये बैटरी जो है चल नहीं रही है। ग्रेविटी चेक करो। तो पहले इसकी हम ग्रेविटी चेक करेंगे। ये ई रिक्शे की बैटरी है, इधर से उधर से। और हम इसकी हम ग्रेविटी चेक करेंगे। इसकी 1200 है। इसकी भी लगभग 1200 ही है। 1200 ही है इसकी। देखो ये वाला सेल जो है बिल्कुल ही नहीं बता रहा है, इसमें ग्रेविटी नहीं, यानी इसका ये वाला सेल जो है खराब है इसका। अब और चेक करेंगे हम, इसमें भी सही है, 1200 ग्रेविटी है। इसमें भी सही है, 1200 ग्रेविटी इसमें भी है और 1200 इसमें है। हमारी बैटरी बैकअप तभी जाएगी जब इसमें सभी सेलों में ग्रेविटी बराबर हो, क्योंकि इस सेल में जो है बिल्कुल ग्रेविटी नहीं है, इसलिए ये जो बैटरी जो है बैकअप नहीं दे रही है। वोल्ट भरे ही पूरे बता रही है लेकिन बैकअप नहीं देगी ये। और इसका एक तरीका और भी है, चाहे तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये वाला सेल खोलेगा इसका ज़रूर। अगर ये ख़राब है तो खोलेगा ज़रूर। देखो ये वाला सिर खोल रहा है, बाकी सभी देखो सही है इसके, ओके बिल्कुल ही कोई भी नहीं खोल रहा है, बस का ये वाला सेल खोल रहा है, यानी इसका ये जो है इस बैटरी का ये सेल खराब है। लाइट क्यों हो गई? इसका ये सेल खराब है। इसको हम खोलेंगे सेल के लिए और इसको हम ठीक करेंगे। लगा चार्ज में हमने ये सेल निकाल लिया काफ़ी मशक्कत के बाद। ये सेल निकाला है इसका हमने। इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो टूट चुकी है, इसकी पॉजिटिव प्लेट ख़राब हो चुकी है। ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये सब खराब है, नीचे से भी खराब हो चुकी है, दब रही है बिल्कुल ही। ये सेल और ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है ये। अब इसे दो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पड़ेंगे, एक सेल हम पूरा डालेंगे इसमें अब, क्योंकि ये भी ख़राब हो चुकी है खेचताई में, ये भी ख़राब हो चुका है इसका। ये इसका ये नेगेटिव प्लेट हैं इसकी, ये इसमें 6 mm प्लेट है, इसमें ट्यूबलर प्लेट है, इसमें इसमें ये पांच, ये जो चार ये हैं, चार पॉजिटिव हैं और पांच नेगेटिव हैं, इसमें 9 प्लेट का बैटरा है, ये पांच ये हैं, पांच ये हो गई, पांच ये हैं, एक 2, 3, 4, 5 तो ये हैं और चार ये हैं, ये 9 प्लेट का बैटरा है। इसको हम एक सेल रिपेयर करेंगे, इसको डालेंगे हम इसके लिए।
एक बैटरी है ख़राब, इसी कंपनी का बैटरा, एक ये भी है, ये भी ख़राब बैटरा है अभी। अब इसमें से हम एक इसमें सेल जो सही है उसको निकालेंगे और इसमें हम ज्वाइन कर देंगे, रख देंगे। तो इसके लिए हम एक सेल इसमें सही है उसको निकाल लेंगे। बस इसमें देखो सील डालेंगे तो उसमें गंदगी है अंदर। हमने इसमें देखा था, हमने इसमें एक बैटरी इसकी और थी, एक सेल इसका ये है, ये बैटरी एक और थी, टूटी बैटरी थी इसमें, टूट गई थी। ईस्टमैन की बैटरी ये भी है, इसका एक सेल खराब, एक सेल सही था ये वाला, तो हमने इसका सेल ही निकाल लिया है और इसका सेल जो हम इसे हम डालेंगे। अब
उनके पास ये रहा। सीएनजी बात करो, एलपीजी दोनों करो। जी सीएनजी बात करो, और सीएनजी और बात करो पहले। हाँ हाँ, अब आ सुनो, कम से कम करी भी अपनी गाड़ी है, ध्यान रखियो। चले गए नवीन यार। इसको क्या दिखा, इसको अंतर करके हमने इसको एक यहाँ की हम सोल्डिंग कर दी है, अब इस साइड की रहेगी। Thank you.
लोग कहाँ आवे दोनों बड़ी का यहाँ लगी इस प्रकार से हमने ये सेल जो है अंदर से जोड़ दिया है, इधर से जोड़ दिया ये वाला और ये वाला इधर जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद इसमें तेजाब डालेंगे, उसको चार्ज करेंगे, फिर इसको हम चलाएंगे। ये सेल अच्छी तरीके से हमने लगा दिया है और कुछ बस बस अब इसको चेक करो जी ले। इसमें करंट आ गया बिल्कुल सही करके। बोल्ट देखो, बोल्ट देखो ले क्या मीटर, इसको बोल्ट चेक करेंगे हम। ये जो मीटर बारी इसके देखो ये बोल्ट भी सही आ गए हैं। अब इसको हम केबल कवर करेंगे और सही के तैयार डालेंगे, चार्ज करेंगे और ये अभी कामयाब हो गई बैटरी। ये अल्लाह इसका कब वो कहाँ है चौकासी तो भी सही है। करोड़ भाई इससे करा कैसे जहर प्लास्टिक बत्तीस हारे हाँ बत्तीस पकड़ सकते गई है। हम इसको ट्राई करके दिखाते पूरी जगह से, मगर उसकी बैटरी है उसे देना है, टुकड़ों में लगाना है उसे, आज उसे गाड़ी चलाना है कल। ये जा 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 ना अलग से ये अलग से माने पड़े अलग ना सो जाएगी लगा दियो मैंने ये भी लगाएंगे क्यों देखो अरे पकड़ी ना ताला की खोलो ताला की हेलो देखो।
ये देखो ये 100 वाट का जल रहा है, ग्लो कर रहा है बिल्कुल ही। इसको हम आपको और भी देर से दिखाते हैं, लेकिन ये जिसकी बैटरी है इसको हमने रिपेयर करके देनी है हमें, और हमको देना है बैटरी। इससे वो रिक्शा चलाएगा, ई रिक्शा, अब ये बैटरी आराम से चल जाएगी, क्योंकि पहले उसमें बल्ब जो है लोड नहीं ले रहा था पहले, लेकिन अब जो है बल्ब अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये बैटरी अब बिल्कुल सही हो चुकी है, और बैटरी अब ये बैकअप अच्छा देगी, अब ई रिक्शे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। चलो खाना खा के आवा, 12:30 बजे चलो। रोक दूँगा।